हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से या टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले ट्रीडेंट लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 50 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 1.5% के करीबन की गिरावट दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 37 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर नीचे में सपोर्ट लेवल बन चुका है 36 रुपीज पर। 36 रुपीज पर इस पॉइंट पर स्टॉक के अंदर ज्यादा चांसेस हैं कि स्टॉक इस प्राइस को रिटेस्ट करने के बाद फिर से एक रिवर्सल ट्रेंड बनाता हुआ नजर आएगा। परंतु अगर स्टॉक ने 36 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन दिया तो स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट लेवल है वो काफी नीचे अराउंड 34 रुपीज तक की गिरावट दिखा सकता है। पहले भी स्टॉक ने 34 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट किया गया। यहाँ पर स्टॉक ने एक लो बनाने के बाद निचले लेवल पर एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। पर अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में अराउंड 36 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस ट्रेड करें। ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट अराउंड 39 रुपीज और सेकेंड टारगेट 41 रुपीज, ये दो टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करें, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड देखें तो लगातार स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहेगा और ऊपरी लेवल पर स्टॉक काफी करेक्शन भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाएंगे तो वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक 36 रुपीज से नीचे जाता है तो वहां पर और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी और स्टॉक में कमजोर भी देखने को मिलेगा। यानी कमजोरी का मतलब यह आएगा कि वहां पर स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी कम हो जाएगी और स्टॉक एक रेंज बोर्ड में जाके फंस जाएगा। इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन लें। यह वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है।